मैं अपनी बात शुरू करता हूँ पंक्तियों से। जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कि आप बैठ जाइए, बहुत लोग नहीं आए हैं तो उनको भी सूचना दीजिए कि हाँ इतने लोग पहुंच गए हैं। वह लोग भी आए क्योंकि भाई विक्रम जी के द्वारा जो ये अनिश्चितकालीन धरना प्रस्तावित किया गया है सर्वसम्मति से, उसमें सब लोग आए और भागीदार बने। इसके लिए जनप्रतिनिधियों में आप लोगों के बीच देता हूँ कि भैया मिले जो लियता बनावे के पड़ी, भैया मिली जो लियता बनावे के पड़ी, विक्रम भैया जी के सपना सजावे के पड़ी, विक्रम भैया जी के सपना सजावे के पड़ी, भैया मिली जो लियता बनावे के पड़ी, भैया मिली जो लियता बनावे के पड़ी, विक्रम भैया जी के सपना सजावे के पड़ी। साथियों, भाई विक्रम जी द्वारा यह जो धरना यहाँ प्रस्तावित है कि जो भी हम देशक साथियों की मांग है उस मांग को पूरी की जाए, और इसके लिए यहाँ एक बड़ी कम समय की आवश्यकता है साथियों, क्योंकि बार बार जो कहा जा रहा है कि हमारी संख्या 27,000 है और यहाँ उपस्थित लोगों की संख्या क्या है, आप सभी लोग एक बार निगाह उठा के देख सकते हैं। तो इसके लिए सभी लोग यहाँ बैठे रहे, इस धरने को सुचारू ढंग से चलाते हुए और फोन भी करते रहे कि भैया अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया है, आप लोग घर से निकलकर यहाँ आने का कष्ट करें ताकि इस वर्तमान सरकार को हिलाने का हम लोग काम करेंगे, तभी हमारा हक और अधिकार मिलेगा साथियों। क्योंकि बार बार माननीय सचिव द्वारा भी कहा गया यह हिटलर से भी बड़ी तानाशाही सरकार है, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि एकता में वह शक्ति होती है, एकता की बदौलत ही हम लोग जब गुलाम थे तो अंग्रेजों से जीते, वही एकता की देन थी कि हम अंग्रेजों से जीते, और आज अगर हम एकता दिखाते हैं तो माननीय इस देश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से भी हम लोग जीतने का काम करेंगे, लेकिन एकता दिखाएंगे तब। इसलिए हम सभी लोगों को कमर कसना होगा, हम सभी लोगों को जगना होगा, और अपने समय में जैसा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे थे कि आने वाले समय में हम लोग कभी अपनी मांग नहीं मना पाएंगे, इसलिए हम सभी लोग आप सभी लोग कमर कस लीजिए और इससे 2 मिनट का समय लेकर उन सभी लोगों को सूचना देने का काम जरूर करें, और जितने भी साथी खड़ा है आप सभी से हमारे निवेदन करता हूँ, हमारे को जितने भी साथी आए माइक पकड़े सब लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि आप बैठ जाए। इस कड़ाके की ठंड में जो आप लोग आए हैं तो अनुदेशक करमवीर तो आप घोषित हो गए हैं, पहले तो उपस्थित सभी कर्मवीर साथियों को नमन है, और जो घर पे भी हैं हमारे साथी और किसी कारणवश आज नहीं आ पाए हैं, और उन्होंने भी कहने पे मैं अपने जनपद बधाइयों में बता रहा हूँ कि 90% से ज्यादा लोगों ने आकस्मिक अवकाश डाला है और ग्रुपों में सीएल का बाढ़ आ गया है, तो उन साथियों को भी नमन जिन्होंने आज किसी कारणवश न आने के बावजूद भी अपने धर्म को आस्था को घर पे रहते हुए सीएल देते हुए निभाया है, स्कूल न जाकर अपना विरोध दर्ज कराया है। दूसरा, जनपद से आई हुई अलग अलग जनपद से आई हुई महिला जो साथी है मातृशक्ति है उनको भी नमन, सब भाई है उनको भी नमन। 27 दिसंबर से अनिश्चितकालीन धरने की घोषणा हुई है, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है संख्या जो एक्सपेक्टेड थी उसके हिसाब से संख्या नहीं आई, और लोगों ने इसको अनिश्चितकालीन मान के उसको ये सोच लिया कि शायद ये धरना लंबा चलेगा। मैं अपनी बात को थोड़ा सा लंबा करूंगा इसलिए मैं थोड़ा सा ले रहा हूँ समय, कुछ हमारे साथियों को कुछ कहना है।
ठीक है जी। हाँ भीख नहीं अधिकार चाहिए, भीख नहीं अधिकार चाहिए, पूरा वेतन और सम्मान चाहिए, ठीक है। भीख नहीं अधिकार चाहिए,